नमो संस्कृत है प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कक्षा 12 संस्कृत साहित्य के प्राचीन संस्कृत साहित्य को हमने कवर किया था कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं और प्राचीन संस्कृत साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आधुनिक संस्कृत साहित्य से आपको किन किन चीज़ों को अवश्य देख लेना है, यानी यहाँ से प्रश्न 100% फंसेंगे, यानी 5 नंबर जो हैं आपके इसी एक PDF जो एक पृष्ठ है इसी से आपके 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, इस का मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए मित्रों, पिछले 12 सालों से मैं कक्षा 12 को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक अनुभव कह रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं जिनके लेखक और रचना, बस यही आपको ज़्यादातर ध्यान रखनी है। तो देखिए, अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड पर जा कर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, देख लेते हैं। देखिए मित्रों, ये कुछ रचनाएं हैं, मैंने यहाँ पर कुल महत्वपूर्ण 30 रचनाओं को लिया है और ये 30 रचनाओं और उनके लेखक जो हैं उनको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। तो अब देखिए आपको कैसे और क्या क्या चीज़ याद रखनी है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रबंध पारिजात। प्रबंध पारिजात के लेखक हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, ठीक है। प्रबंध पारिजात किसने लिखी है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है साहित्य वैभव, जयपुर वैभव, गोविंद वैभव और भारत वैभव, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचनाएं हैं, ठीक है। उसके अलावा आदर्श रमणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आदर्श रमणी के रचनाकार जो हैं लेखक कौन हैं? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री हैं। अब देखिए भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की ये सारी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसमें से खास करके देखिए, इनको तो सारे वैभव हैं और इनको आप ध्यान रखते हैं कि मथुरा का वैभव से आप इन सबको ध्यान रख सकते हैं, और आदर्श रमणी इसको भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रवेद। राष्ट्रवेद के जो रचनाकार हैं वो हैं पंडित नवल किशोर शास्त्री। उसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट है महारथी ध्यान रखना है पंडित गुलाब चंद्र चुलेट। पंडित गुलाब चंद्र चुलेट महारथी के लेखक हैं। अब कैसे ध्यान रखोगे इसको? ऐसे ध्यान रखना है अपन को कि भैया महारथी कौन होगा? जो चूल्हे की रोटी खाएगा वो महारथी हो जाएगा। आपको इस तरह से इसको याद रखना है, चूल्हे महारथी यानी जो चूल्हे की रोटी खाएगा महारथी हो जाएगा, एक केवल समझने की दृष्टि से ध्यान रखना है। आगे मोहभंगम के जो हैं डॉक्टर रसिक बिहारी जोशी, ये मोहभंगम महाकाव्य है, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर रसिक बिहारी जोशी। अब मोहभंग किसका हो गया? वो रसिक बिहारी का हो गया, तो बिहारी का मोहभंग हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करें उद्विज परिषद, ये आपके जो उद्विज परिषद नामक पाठ है इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। प्रबंध मंजरी, ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं ऋषिकेश भट्टाचार्य, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, उद्वज परिषद यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है दुर्लभ दाम्पत्यम पंडित सूर्य नारायण शास्त्री की रचना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें आत्मवेदना, तो देखिए आत्मवेदना के जो रचनाकार हैं डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री हैं, ठीक है। आत्मवेदना डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। प्रतिवेशनी के हैं डॉक्टर पुष्कर शर्मा। उमा के रचनाकार हैं पंडित वृद्धि चंद्र शास्त्री, ध्यान रखना है पंडित वृद्धि चंद्र शास्त्री उमा के रचनाकार हैं। यात्रा विलासम, ठीक है, यात्रा विलासम जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वही मैंने यहाँ पर ली हैं, सारी महत्वपूर्ण हैं। यात्रा विलासम के जो रचनाकार हैं पंडित नवल किशोर शास्त्री है। जीवनस्य पृष्ठद्वयम, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जीवनस्य पृष्ठद्वयम श्री कलानाथ शास्त्री की रचना है। जीवनस्य पृष्ठद्वयम ध्यान रखना है, द्वा सुपर्णा ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये है डॉक्टर रामजी उपाध्याय की है द्वा सुपर्णा। दयानंद महाकाव्य ये आपके है अखिलानंद का, तो कैसे याद रखोगे? दयानंद अखिलानंद ध्यान रखना, लेकिन दयानंद दिग्विजयम ये है मेघाव्रत आचार्य, दयानंद दिग्विजयम मेघाव्रत आचार्य, ठीक है। आगे हम बात करें तो कुमुदनी चंद्र के जो रचनाकार हैं वो वही मेघाव्रत आचार्य जी हैं। अगली है रुक्मणी हरण के हैं काशीनाथ शर्मा, तो इसको आप कैसे याद करेंगे? रुक्मणी हरण, तो रुक्मणी का हरण किसने किया था? श्री कृष्ण ने किया था,
तो रुक्मणी का हरण किया था और श्री कृष्ण जी कहाँ ले गए, रुक्मणी का हरण करके काशी ले गए। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि रुक्मणी का हरण करके काशी ले गए, तो रुक्मणी हरण काशीनाथ शर्मा। रामानंद दिग्विजयम स्वामी भगवताचार्य, राम कौन थे, भगवत थे, भगवान थे, तो ऐसे याद रखते हो रामानंद दिग्विजयम जो है स्वामी भगवताचार्य। नेहरू चरितम ब्रह्मानंद शुक्ल, नेहरू ब्रह्मानंद शुक्ल इसको ध्यान रखना है। इंदिरा चरितम के हैं डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री, इसको भी आपको ध्यान रखना है। शिवराज उद्यम के हैं डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, और विवेकानंद विजयम के भी हैं डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ठीक है। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि सीता चरितम के हैं डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी। हर नाम अमृतम, वेरी इंपॉर्टेंट, हर नाम अमृतम, इसको इसके जो लेखक हैं वो हैं विद्याधर शास्त्री, ध्यान रखना है हर नाम अमृतम विद्याधर शास्त्री। श्री महावीर सौरभम मधुकर शास्त्री, मैं से महावीर और मैं से मधुकर, इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। लेलिनामृतम, वेरी इंपॉर्टेंट, लेलिनामृतम श्री पदम शास्त्री ओझा हैं, ठीक है, पदम दत्त ओझा या पदम शास्त्री लेलिनामृतम के रचनाकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्वराज्यम के जो रचनाकार हैं वो पदम शास्त्री हैं। चंद्रमहीपति के रचनाकार श्री निवासाचार्य हैं, और कुसुम लक्ष्मी के रचनाकार हैं ए आर अनंत रत्न पारखी। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, 30 रचनाएं यहाँ पर मैंने आपको दी हैं, तो ये अगर आपने याद कर लिया तो निश्चित तौर पर ये मेरा मानना है कि आप 5 में से 5 जो क्वेश्चन हैं उन 5 को सही करने में सफल हो जाओगे। आप आधुनिक साहित्य से 5 के 5 नंबर ले लोगे यदि आपको ये याद है। इसको आप इस वीडियो के माध्यम से या PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक के माध्यम से, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने का प्रयास करूँगा, तो उसके माध्यम से आप इस को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।